यूट्यूब चैनल पे अपना ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है टैपोडे 2.0 उस पर हम मैथ्स के कई पार्ट का बात कर चुके हैं। आज मेंसुरेशन का ही एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो क्लास 9th में हीरोन्स फार्मूला का यूज हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। ये फार्मूला है जो क्लास 9th के सभी बच्चा को आना चाहिए, अगर आप क्लास 10th में हो फिर भी आपको आना चाहिए, कारण कि आपको उसका यूज देखने को मिलेगा। बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमारा है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कितने टाइप के हैं, क्योंकि जब हम ट्रायंगल का टाइप्स पढ़ लेंगे तो फिर आसानी होगा, हम उनका एरिया फाइंड करते समय हमें आसानी होगा। कैसे आसानी होगा वो फर्दर हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को दो आधार पे बांटा जाता है, एक उनके साइड्स को देखकर यानी भुजाओं को देखकर, और एक उनके कोण के आधार पे यानी एंगल के आधार पे। लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड, ट्रायंगल्स को तीन तरह से बांटा जाता है, तीन कैटेगरी में। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो, अगर ये 5 मीटर ये भी 5 ये भी 5 तो तीनों साइड आपस में बराबर हो। और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसके दो साइड आपस में बराबर दिखे, यहाँ पे दिखाया गया है दो साइड आपस में बराबर है पर ये तीसरा साइड अनइक्वल है। अगर तीसरा साइड भी इक्वल होता तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप। और अगर दो इक्वल है एक अनइक्वल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। स्केलेन ट्रायंगल ऐसा है जिसके तीनों ही साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही असमान साइड्स है, अनइक्वल साइड्स है, तो ये स्केलेन ट्रायंगल है। अब हम जब साइड्स को देख रहे थे तब देखे कि ट्रायंगल तीन तरह का होता है। अब एंगल का जब बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल फिर तीन तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो इसके हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, जो तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो आप देखो हर एंगल 90 डिग्री से छोटा का है, ठीक। ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, इसके लिए ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या न्यूनकोण त्रिभुज जिसको आप बोलते हो। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, वन एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा। अब बाकी दो एंगल्स के बारे में क्या, अदर टू का क्या बात है, क्या सीन है? तो जब ये 90 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना है, तो इन दोनों का सम डेफिनेटली 90 डिग्री होना चाहिए। कभी 0 डिग्री का तो कोई एंगल बनेगा नहीं, फिर ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही 90 से छोटे होने चाहिए, तभी तो मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। दैट मींस एक एंगल तो 90 डिग्री दिखेगा, बाकी दोनों को तो होना ही है, हम यहाँ पे चर्चा कर दिए हैं। ऐसे अदर टूज भी एक्यूट दिखेंगे आपको। जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखोगे, एक जो तीसरा कैटेगरी है, जब हम एंगल के आधार पर ट्रायंगल्स को कैटेगराइज किए हैं, तो आप देख सकते हो कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जब ये 90 से बड़ा है, इन दोनों को तो भाई रेस्ट ऑफ में से होना है, तो वो सारे दोनों तो एक्यूट ही बनेंगे, तो इसके अदर टू एंगल्स भी एक्यूट एंगल होंगे। एक एंगल 90 से बड़ा तो वो अधिक कोण त्रिभुज है, या आप उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये बात तो हो गया, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कैसे करते हैं। तो आप जब एक रेक्टेंगल को देखते हो, देखो ये ऐसा नहीं कि इसका एक्सप्लेनेशन है, पर आप सीख सकते हो कि रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड किया तो इसका जो एरिया होगा वो भी इसका एरिया के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, अब देखो ये एल और ये बी, तो इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है, एल गुना बी, ठीक है। जब हम अपने इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो एल गुना, अच्छा इसका एरिया और इसका एरिया दोनों मिलके तो ये एल भी बना है, यानी कि इसका मांग रहा होगा 2x। इसको दो से दो बराबर भाग में बांटे तो हर एक भाग का लंबाई x हो गया, मतलब वो एल गुना बी का आधा है। तो खैर आप समझोगे इस बात को, इसको हम इरेज करते हैं। आप देखो हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू कोरस्पोंडिंग हाइट होता है, आप याद कर सकते हो। इसमें देखो बेस इंटू कोरस्पोंडिंग हाइट, ये दो बात आपको पता होना चाहिए, बेस क्या है हमारा और इन कोरस्पोंडिंग हाइट का क्या सीन है। अगर आप ये दो बात जानोगे तभी तो इस पे रख पाओगे और आंसर ले
ला लॉग एरिया ऑफ ट्रायंगल का। दूसरा एक फॉर्मूला चर्चा किया गया है हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया फाइंड करने के लिए होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हो, वो क्या है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस क्या होता है, ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, ये सब पता होना चाहिए, पता होगा तभी आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। फिर अब देखो हम जो भी टाइप्स पढ़ चुके हैं वो तीनों ही टाइप्स के फॉर ट्रायंगल को इतना एरिया निकालने के लिए हम इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको निकालेंगे तो हमको एस का वैल्यू पता होना चाहिए, ए बी सी जो तीनों साइड्स होते हैं उसका वैल्यू पता होना चाहिए। एस से भी पेरीमीटर को बोलते हैं, और पेरीमीटर का मतलब तो लेंथ ऑफ बाउंड्री भी होता है, और लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है तो वो तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है, ये ट्रायंगल है अगर ए बी सी, तो यूजुअली एंगल ए के सामने जो साइड उसको एंगल ए साइड ए से डिनोट करते हैं, ये साइड बी है ये साइड सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, हम बोल रहे हैं इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, लेकिन यहां सेमी पेरीमीटर का यूज किया गया है। ये जो एस है इस फॉर्मूला में वो सेमी पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कैसे बनेगा, जो पेरीमीटर है वो सेमी पेरीमीटर तब कहा जाएगा ना जब वो अपना आधा होगा, अर्ध परिमाप इसको हिंदी में बोलते भी हैं। तो ये एस है हमारा वो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है, और ए बी सी क्या है तो वो ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो अगर कभी भी किसी ट्रायंगल का साइड्स आपको पता है, तीनों ही साइड्स पता है, आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। कैसे, वो एस तो फिर पता चल भी जाएगा, और हीरोन्स फॉर्मूला आप यूज करोगे फिर उसका तो लाभ लो तो एकदम अच्छे से। अगर बेस पता है और कोरस्पोंडिंग हाइट पता है तो बात आता है कि आखिर बेस क्या है कोरस्पोंडिंग हाइट क्या है। देख लो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, अगर ये एक ट्रायंगल है, हम तीन टाइप का ट्रायंगल आपको यहाँ पे बना के दिखाने वाले हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जब हम ये तीन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तीनों का हाइट देखते हैं। अच्छा इसका हाइट देखो कहाँ है, तो इस ट्रायंगल का एक हाइट ये है, लेकिन तब बेस का काम कौन किया, जमीन से, जमीन से ऊपर का हम हाइट देते हैं, इसका सबसे हायर पॉइंट कहाँ गया है, इसका हायर पॉइंट ये है, तो यहीं से तो नापेंगे। अगर कोई कहे कि नहीं हम यहाँ से इसका हाइट नापेंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है ना, यहाँ से हाइट नापा जाएगा। अच्छा ट्रायंगल का हाइट जब देखा जा रहा है तो इसको अगर हम बेस ना मान रहे हैं, अगर इसको बेस मान रहे हैं, जैसे देखो हमारे फॉर्मूला में बेस गुना कोरस्पोंडिंग हाइट है, तो बेस तो तीनों को हम बारी बारी से बना लेते हैं एक ट्रायंगल में, इसको भी बेस बना सकते हैं, इसको भी बेस बना सकते हैं, इसको भी बेस बना सकते हैं, लेकिन जब आपने इसको बेस बनाया तब ये हमारा हाइट बनेगा। ठीक है, अगर हमारा बेस ये है तो इस बेस से ये हाइट का काम नहीं कर पाएगा, फिर वो अपना हाइट लेगा इससे, जो इसका पीक पॉइंट है वहां से अपना हाइट देखेगा कितना है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो 90 डिग्री बनाता है वही तो हाइट होता है। तो हाँ एकदम, ये हमारा ये एच टू रहा, ये एच वन था हमारा इस बेस के कोरस्पोंडिंग, बेस वन के जब पहली बेस हम जिसको माने थे उसके कोरस्पोंडिंग हमारा ये एच आया, तो हम इसको बेस वन एच वन दिखाए। ये हम अपना बेस दूसरा माने थे, इसको भी बेस माना जा सकता है, ये हमारा एच टू था। अगर इसको बेस माना जाएगा तो फिर वो जमीन बना, जमीन बेस आधार, आधार से इसका ऊंचाई क्या है, संगत ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज का, तो वो हम देखते हैं। फिर इसके पीक पॉइंट से 90 डिग्री ये मीट करेगा, 90 डिग्री, तो ये हमारा है देखो बना, ये हमारा एस थ्री बना। ठीक, तो किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, तो तीनों में से किसी को बेस मान सकते हो, और उसके कोरस्पोंडिंग जो हाइट आया है आप उसको हाइट अगर आपको पता है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े अच्छे से फाइंड कर सकते हो एकदम इजीली, आप इस फॉर्मूला का यूज कर लोगे। देखो एरिया है तो लास्ट में तो यूनिट स्क्वायर आएगा, अगर हमारा साइड मीटर मीटर का होता तो यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर एरिया आता, एरिया का दोनों ही एरिया निकालने के फॉर्मूला है ऑफ ट्रायंगल्स, तो हम सब में यूनिट स्क्वायर लगाएंगे, एकदम जरूरी है जब हम यूनिट पे सॉल्व करेंगे। अब देखो हम इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, हीरोज फॉर्मूला तो है नहीं, आखिर इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों जानने का प्रयास किए, तो ये दोनों बात तो अगर हमको सब चीज पता है तो हम ये दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। पर थोड़ा लोगों ने करते गए पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अभी तुरंत हम दिखाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला और आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारा फिगर है एक ट्रायंगल का और एक ट्रायंगल का, पहले इसको पहचानने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रायंगल है कौन सा। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे इसका ये साइड ए और ये भी ए, तीनों ही साइड का लेंथ आपस में बराबर है, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है,
अब देखो इसमें देखने आए तो देखेंगे, अच्छा ये ए ए और एक तीसरा साइड अनइक्वल लेंथ का है, किसी बी लेंथ का है, और ये ए लेंथ का, ये भी ए लेंथ का, तो ये तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। हम इसको मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब देखो हम दोनों का एरिया निकालेंगे बारी बारी से, 1/2 बेस इनटू हाइट, या फिर रूट अंडर एस इनटू एस माइनस एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी का जो फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे, फिर इनका एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं। अच्छा इसमें ए क्या है, ये तो हमारा साइड है, साइड ऑफ दिस ट्रायंगल है, हाँ तो अच्छा। और ये इसमें क्या है, तो ए जो है ये हमारा साइड है, लेकिन कौन वाला साइड है, तो जो इक्वल साइड्स है, जो इक्वल साइड्स हैं उनको इंडिकेट किए हैं ऐसे, और बी हमारा क्या है, अनइक्वल साइड है, जो इन दोनों से बराबर नहीं है। ठीक है, ये है हमारा अनइक्वल साइड। अब देखो इसमें बात करेंगे कि अच्छा ये 90 डिग्री का बना रहा है, ये हम अपने मन से कंस्ट्रक्शन की, ये कंस्ट्रक्शन क्या, ये हमारा हाइट तभी होगा जब 90 डिग्री बनाएगा, तो दोनों हम अपना 90 डिग्री वाला एच दिखाए हैं। इसमें फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं, 1/2 गुना बेस गुना हाइट, बेस गुना करस्पोंडिंग हाइट, ये फॉर्मूला हमको मिलने वाला है, हम ये ट्रायंगल का जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है करस्पोंडिंग हाइट, उसका फॉर्मूला हम पास तुरंत देखेंगे, प्राप्त करेंगे। बेस हमारा कितना है, ए, चलो बहुत अच्छा से 1/2 बेस हमारा ए है, और करस्पोंडिंग हाइट कितना है, तो एच, बोले बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं 1/2 गुना ए, तो ए है, एच क्या है, एच को ए के टर्म्स में दिखाने का प्रयास करते हैं हम, तो जब हम देखेंगे कि अच्छा एच हमारा जिस लेंथ का भी होगा, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, यहां पे हम दो ट्रायंगल दिखा सकते हैं, यहां पे ए बी सी, और इस पॉइंट को मान लिया डी, तो हमारा क्या हुआ, ये ट्रायंगल एक बना ए बी डी और एक ट्रायंगल बना ए डी सी। जब हम ये दोनों ट्रायंगल्स में देख रहे हैं, तो हमारा ये साइड जो रियल में इस ए बी डी ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, इस साइड के बराबर है जो इसका हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये हमारा कॉमन साइड दिख रहा है जो दोनों ही का साइड बना, तो देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये हमारा एज है, जिसका इसका जो भी लेंथ रहता हो, मान लो कि इसका लेंथ वाई है और इसका लेंथ जेड है, तो ए का वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट आप पाइथागोरस थ्योरम को देख चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात किया गया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ा भुजा है, उसका जो स्क्वायर हम करते हैं वो हमको मिलता है कैसे, तो दो छोटी भुजाओं यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वो जो फिर ए है, ये इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, ए डी सी को, किस ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी को देख रहे हैं, तो ये हमारे एच का, ये ए का लेंथ क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, कारण ए स्क्वायर तो इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये भुजा तो फिर अंडर रूट लेके आएगा, ये आपको बताया गया है पीछे लेक्चर में, मतलब वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये इतना बनना है, और ये ए कितना बनना है, तो ये बनना है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक बात यहां से तो दिख रहा है कि एच स्क्वायर में ये जेड स्क्वायर जोड़ो अंडर रूट करो फिर भी ए आएगा, और एच स्क्वायर में ये वाई स्क्वायर जोड़ो और अंडर रूट करो फिर भी ए आएगा, मतलब ये जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में बराबर हैं, ये जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में बराबर हैं, तो हम देख सकते हैं कि जेड और वाई भी आपस में बराबर होंगे, और ऐसा अगर होगा तो ये कहीं ना कहीं मिड पॉइंट बन के आएगा, ये हमारा क्या बन के आएगा, मिड पॉइंट, यानी अब एक्स और वाई का सम खत्म, और ये बन जाएगा आधा ए का, और ये बन जाएगा आधा ए का, दैट मीन्स ये पूरा अगर बीसी हमारा ए लेंथ का है, तो मिड पॉइंट अगर डी है, तो क्या बीडी ए बाई टू लेंथ का नहीं होगा, डीसी ए बाई टू लेंथ का जरूर होना है, और फिर हम अपने एज को फाइंड करते हैं, तो ये हमारा एज देखो इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एक छोटा साइड है, हम बताएंगे कि ये कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर बड़ा का स्क्वायर में से छोटा साइड का स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर में से छोटा ए बाई टू है, और उसका स्क्वायर करेंगे, जब हम सॉल्व करने आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर दिखेगा। अब फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये फ्रैक्शनल काम आप कर सकते हो, फ्रैक्शनल सबट्रैक्शन का, और यहाँ पे आप देखोगे तो 4 एलसीएम बनेगा, और ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा, बनेगा 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसके आगे हर किसी को पता है, और आना भी चाहिए आपको कि ए स्क्वायर तो बाहर आएगा, 4
बाहर आएगा रूट से और रूट थ्री अंदर बचा रह जाएगा, नहीं निकल पाएगा, मतलब ए रूट थ्री बाई टू या रूट थ्री ए बाई टू आप कह सकते हो, ठीक है, रूट थ्री ए बाई टू। ये क्या आया, इस ट्रायंगल का हाइट आया, जब इस ट्रायंगल का हाइट आया हम उसी हाइट को ढूंढ रहे थे और हमारा कितना आया रूट थ्री ए बाई टू, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम इस पे पुट करते हैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस को, कि एक ऐसा ट्रायंगल जो हर बार अपना तीनों साइड बराबर रहता है, उस पे से जब हम ये 1 by 2 into base into side corresponding height करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला अंत में निकल के आता है रूट थ्री अपॉन टू टू जार फोर और ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। इसको हम देख रहे, अच्छा ए हमारा क्या था, ए हमारा साइड था इस ट्रायंगल का, तो हम कह सकते हैं कि रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब देखो बार बार हीरोंस फॉर्मूला लगाओगे या 1 बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो तब लगाओगे जब कोरस्पोंडिंग हाइट पता रहेगा, तो कोरस्पोंडिंग हाइट डायरेक्ट पता करके आप एरिया निकाल सकते हो इसका 1 बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इस पे इस फॉर्मूला पे पुट कर सकते हो अपने साइड को, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर कर दो और उस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा जो ट्रायंगल है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल टाइप का ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं, तो जब आप प्रूफ करोगे, देखो खुद से इस तरह का काम करने का प्रयास करना, तो इसका आप देखोगे आएगा वन बाई फोर बी रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप याद कर सकते हो इसको। अच्छा देखो इसमें यूनिट स्क्वायर तो अंत में आंसर आना ही है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पांच मीटर करेंगे तो पांच मीटर का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो मीटर का भी तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट स्क्वायर एरिया है तो आएगा ही, यहाँ भी हम एरिया निकालेंगे तो ये यूनिट स्क्वायर आएगा। और ये फॉर्मूला क्या बना, वन बाई फोर गुना बी, क्या है हमारा अनइक्वल साइड है जिसको हम प्रूफ करने के लिए बेस माने थे बी, देखो इसमें भी वही चीज होगा, ये बी बाई टू बनेगा और ये बी बाई टू बनेगा, और जब बी बाई टू बनेगा तो यहां से एच का वैल्यू क्या निकलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, जो कैसे करेगा फिर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हो बन रहा है हमारा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक डिवाइडेड बाई फोर, ये डिवाइडेड बाई फोर कहाँ इसमें रहेगा, ये तो बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ये क्या बन रहा है रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा एच बना, बेस हमको बी पता था, बेस बी पता है, तो हम फॉर्मूला पे अगर पुट करते एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या निकालते 1 बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो ठीक है 1 बाई टू, 1 बाई टू ठीक है, बेस हमारा बेस है बी और हाइट कितना है, हाइट है रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है हमारा हाइट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। देखो अगले स्टेप में वन बाई फोर बनेगा कि नहीं बनेगा, वन बाई फोर हाँ बना है, बी बी कौन है अनइक्वल साइड जिसको हम बेस मान रहे थे, फिर तो b इंटू फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप रट सकते हो समझ सकते हो, अगर अचानक भूल गए तो देख सकते हो कि हाँ हमारा यही फॉर्मूला है, तो ढंग से इस बात को कर सकते हो, फिर इस पर प्रैक्टिस करो, किताब अच्छा अच्छा उठाओ, उसके वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो।